मैं असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर राहुल सुरेतल, पोस्ट है उस्मानपुरा। मुझे आज यहाँ पे खासदार चषक फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए हमारे दोस्त आसिफ भाई और जो आयोजक है उन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया है। मैं ख़ास तौर पे मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ, इसलिए औरंगाबाद एक स्पोर्ट के लिए बहुत अच्छा हब है और हमकास मैदान बोले तो यहाँ पे अच्छे अच्छे प्लेयर बने हैं। बाबर भाई हमारे पुलिस के जो है उनका भी अच्छा नाम यहाँ पे है। तो मैं ये स्पर्धा आयोजन करने वाले जो आयोजक है इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और आप जो टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं इससे बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन और फुटबॉल प्लेयर अपने देश के लिए नाम रोशन कर सकते हैं। तो मैं जो आयोजक ने मुझे यहाँ पे इनवाइट करके सम्मानित किया है उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। खासदार चषक आज का 5वां दिन यहाँ पर बहुत ही अच्छा मनोरंजन चालू है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन से रेगुलर मैचेस चालू है। हमारे परंतोष भाव वाघमारे साहब अखिल साहब की तरफ से जो ये मैचेस चल रहे हैं बहुत ही लोग आ रहे हैं, बहुत इन्जॉयमेंट कर रहे हैं। बच्चों को प्राइजेस से नवाजा जा रहा है, अच्छे अच्छे हर गोल पर उनको मोबाइल दिया जा रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है इनका यहाँ पर माशाल्लाह। खासदार साहब चषक मैचेस हमारे परंतोष वाघमारे साहब ने पूरा मैनेजमेंट बहुत अच्छे से संभाला है और सबको इनवाइट कर रहे हैं, हर अधिकारी हर किसी को इनवाइट कर रहे हैं। दर चषक फुटबॉल टूर्नामेंट का आज 5वां दिन है, माशाल्लाह काफ़ी पब्लिक आ रही है। मैं आपके यूट्यूब के चैनल के माध्यम से इंसेन समाचार के माध्यम से सभी शहर औरंगाबाद से अपील करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ अपनी नोंद उपस्थित दर्ज कीजिए। टूर्नामेंट बहुत बढ़िया हो रहा है। कल यहाँ पर महाराष्ट्र के जाने माने सनी जादव जो गोल्डन मैन है वो आने वाले हैं। उसके बाद उसके अगले दिन और सेलिब्रिटी आने वाले हैं और 7 तारीख को ये टूर्नामेंट का फाइनल है। इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट का फाइनल ओलंपिक के टूर्नामेंट के फाइनल जैसी होगा। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप आईएम खास मैदान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए। शुक्रिया। खासदार चषक जो औरंगाबाद का होने जा रहा है ये चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रांतोष वाघमारे अखिल सागर ने जो बेहतरीन इंतजाम किए हैं और प्रांतोष वाघमारे की तरफ से हर एक कूल की तरफ से जो एक मोबाइल दिया जा रहा है और अपने एक खिलाड़ी आसिफ खान को इन्होंने 42,000 से इनाम से नवाजा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से इसका सब लोग आनंद ले रहे हैं। और जो चीज़ मैंने देखा है मेरे ज़िंदगी में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यहाँ पे जो देखा है मैंने कभी ग्राउंड के ऊपर बचपन में खेला, लेकिन अब जो मैं एक चीज़ प्रांतोष वाघमारे ने मुझे बताया और मैंने उनसे पूछा था कि भाई अपन क्यों ये, तो उन्होंने एक चीज़ मुझे अच्छे अल्फाज में कही थी कि बच्चे जो आज नौजवान जो बच्चे नशे की लत में मोबाइल के अंदर जो रहते हैं जो चीज़ अपने को वो एक्टिविटीज़ में इनको यहाँ लेके आना है अल्हम्दुलिल्लाह नशा गोलियों में जो थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत इनका साबित कदम इन्होंने देखा है और मुझे खुद लिया कि उन्होंने बताया था कि आज मुस्लिम बच्चे और हर समाज के जो बुराई की लत में जो जा रहे हैं तो ये उन्होंने बहुत अच्छा इसका पैगाम दिया है और नौजवानों को खेल की तरफ राग़िब किया है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके हर कदम ब कदम इनके इंशाल्लाह साथ में रहूँगा। आम खास पे जो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का जो चालू है प्रोग्राम टूर्नामेंट, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आने की कोशिश कर लिए, बहुत इनाम से नवाजा जा रहा है। परसों के दिन 42,000 का इनाम दिए, कल 21,000 का इनाम लेके गए बच्चों ने, खेलने वालों बच्चों ने। आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आने की कोशिश कर लिए।